हम पॉइंट्स टेबल पे तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी अगर बॉलिंग की बात कर लें, आज बॉलिंग में हमें क्या हुआ? जैसे उन्होंने बात की लॉन्गर फॉर्मेट है, इसी में आपकी फिटनेस टेस्ट होती है, T20 में तो नहीं होती। हारिस रऊफ इंजर हो गए, उसके बाद आपने देखा नसीम शाह एबसेंट हुए, वो नहीं बैट करने आए, तो इसका आपको क्या रीज़न लग रहा है? देखिए, नसीम शाह को जो हाथ में चोट लग गई थी वाइल बॉलिंग, वो अपना ओवर कम्प्लीट नहीं कर सके थे, एंड देन इफ्तिखार हैड टू कम एंड कम्प्लीट इज ओवर, सो इट वॉज अ फील इंजरी। आई थिंक कल भी वो अपने वो हाथ पकड़े हुए थे कुछ, आई थिंक ही वॉज क्योंकि गेंद लग गई तो यस। अभी आई थिंक 3-4 महीने पहले वो इंजरी से वापस आए। इशू हमारे यहाँ ये होता है कि हम नॉन स्टॉप इनको खिलवाते हैं। अब अफगानिस्तान के भी जो मैचेस हुए, आई थिंक एक मैच में किसी तरह बिठा दिया तो बिठा दिया, लेकिन आप पूरी सीरीज़ में उनको बिठाना चाहिए था आपको। अफगानिस्तान की सीरीज़ के अगेंस्ट आप दूसरे अपने बैकअप बेंच स्ट्रेंथ करते, जब आप इतना खिलवाते जाहिर है फिर वो फील्डिंग भी करता है ना 50 ओवर में। सो द थिंग इज़, आपने उनकी बॉडी के ऊपर इतना स्ट्रेन डाल दिया है, फिर उनको आप नेपाल के ख़िलाफ़ भी खिलाएंगे, फिर आप उनको हर पोजीशन में खिलाएंगे, फिर आप उनसे बाकायदा दम लगवा के बॉलिंग करवाएंगे, तो एक वक्त आता है कि वो प्रॉब्लम हो जाता है। और सर अगर वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसके लिए अगर यही मैं आपसे कह रहा हूँ, यू सेव अप, यू सेव द एनर्जीज एंड द फिटनेस लेवल्स ऑफ योर प्लेयर्स, यू रोटेट देम, यू मैनेज देयर टाइम, यू मैनेज देयर वर्कलोड। हमारे यहाँ ये शाइन, हारिस रऊफ, नसीम शाह प्ले एवरी मैच। भाई क्यों एवरी मैच, राइट? सो एनी वे, दिस वॉज वन ऑफ द रीजन। अब आप देखें ना, आप हारिस रऊफ नहीं आया, सडनली आपका 5 ओवर का गैप आ गया, बिकॉज फहीम अशरफ को आपने खिलाया था फॉर हिम टू शेयर द 10 ओवर्स विद इफ्तिखार एंड सलमान अली आजा। लेकिन जाहिर बात है जब वो हारिस रऊफ अपने 5 ओवर नहीं कराएगा तो फिर पूरा लोड इफ्तिखार ने जो है, इफ्तिखार को आपको हारिस रऊफ का लोड उठाना पड़ा, तो फहीम अशरफ हैड टू बॉल इज होल ओवर्स। और दूसरी बात ये, क्लास के बल्लेबाज थे, दे साइकोलॉजिकली रुइंड यू एंड दिस मेड यू सो डिफेंसिव कि वो जहाँ चाह रहे थे वहीं आपसे पिच करवा रहे थे गेंद। Agreed. और हमारे बल्लेबाज जैसे मोहसिन समाप किया, आई हैड एग्जैक्टली द सेम पॉइंट्स, इंटेंट तो हो जी। अभी 2006 में ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड 434 एट जोहान्सबर्ग, वर्ल्ड रिकॉर्ड, राइट? 434। साउथ अफ्रीका चेज्ड इट डाउन, दे वन विद वन विकेट समथिंग, लेकिन उसमें अगर उन्होंने मारा तो गिब्स, हर्शल गिब्स ने उठा के 175 मार दिए एंड दे वन, दे चेज्ड 474। हम यहाँ 357 को ऐसे कर रहे थे जैसे हम 180 चेज कर रहे हैं, एंड वी वर ट्राइंग टू प्ले सेफ, एंड आई डोंट नो, या तो ये था, पहले मैं ही समझा ही पूरे 50 ओवर खेलना चाह रहे हैं, ये इन्होंने समझ लिया कि हम 357 नहीं पहुंच सकते, ये 50 ओवर खेल के 275 बनाएंगे ताकि नेट रन रेट काबू में रहे। लेकिन बीच में वो भी नहीं, तो आई डोंट नो व्हाट दे वर वांटिंग एंड व्हाट वर द कोचेस डूइंग, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस बीइंग सेंड, जैसे मोहसिन ने कहा व्हाट वाज द गेम प्लान, नथिंग, एवरीवन वाज कमिंग एंड प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। अग्रीड, हम मैनेजमेंट के टीम प्लान पे आते, पहले एक कॉलर लेते हैं फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी। हमारे पास एक कॉलर है क्वेटा से, मोहम्मद अजमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे? अपने सवाल सुना। सवाल तो ये मैडम कि पाकिस्तान का जो मैच था ये तो काफी खास करके जो इंडिया से हमारे मैच होते हैं तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट मैच होते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि आज जो पाकिस्तान के बॉलिंग का एक्शन था ये अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल, इसके बारे में मैं मोहसिन हसन खान और अपने एक्सपर्ट सोहेब अलवी से जरूर पूछूंगी। आप आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? मैं सवाल दोहरा देती हूं आपके लिए। श्रीलंका टीम ने आखिरी 13 ODI मैचेस में कितने जीते हैं? A 9, B 11, C 12 या D 13। जवाब देना चाहेंगे? D 12। डी पे 13 है, D 13। चलें ठीक है, मैंने आपका ये नोट कर लिया। और अगर आप जीत गए तो आप जीतेंगे खालिद स्वीट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और एक साइन शर्ट रूबा फैशन वेयर की, जो मोहसिन हसन खान ने साइन किया। थैंक यू सो मच। आई थिंक सबके पास यही सवाल है कि आज मैच में हुआ क्या, हमारी ना बॉलिंग चल सकी, कुछ भी नहीं चल सका। इसीलिए हम पहले पॉइंट्स टेबल की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट्स टेबल देखते हैं कि अब आगे इफ्स एंड बट्स क्या होंगे, क्योंकि आज का मैच हम हार गए हैं, बारिश हमारे किसी काम नहीं आई, हमारे पास कोई एक पॉइंट नहीं आया, और इसी वजह से अगर हम देखें तो इंडिया सबसे ऊपर है इस वक्त विथ 2 पॉइंट्स, श्रीलंका आल्सो विथ 2 पॉइंट्स, पाकिस्तान 2 पॉइंट्स आल्सो, बांग्लादेश तो पहले ही आउट हो गया था लीग से,
बट अब सवाल ये पैदा होगा कि अब नेट रन रेट का सवाल आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास सवाल, और अब आगे ये होगा कि इंडिया कहाँ से जीतेगा, इंडिया कहाँ से हारेगा, तो पाकिस्तान बढ़ेगा। इसीलिए अगर सुहेब अलवी साहब आप थोड़ा सा इस पर और एक्सप्लेन कर दें कि आगे किस तरीके से ये लीग, सबसे बड़ा फेयर है वो ये है कि इंडिया श्रीलंका का जो मैच है कल, वो अगर रेन ऑफ हो गया तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा, दे विल बी ऑन 3 पॉइंट्स ईच। ओके राइट, दैट मीन्स के उसके बाद इंडिया ने अगर बांग्लादेश को हराया दे थ्रू टू द फाइनल्स, और श्रीलंका ने अगर पाकिस्तान को हराया दे थ्रू टू द फाइनल्स। ओके ठीक है, सो पाकिस्तान हैज टू डिफीट श्रीलंका इन द नेक्स्ट मैच फॉर देम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, बिकॉज अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो पाकिस्तान के हो जाएंगे 4 पॉइंट बांग्लादेश और श्रीलंका को हरा के। ठीक, और श्रीलंका का क्योंकि कल रेन ऑफ हो गया होगा तो उनके 3 पॉइंट्स होंगे और वो 3 पॉइंट्स पे रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाएगा। सो एक तो उम्मीद ये है कि क्योंकि इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि भाई इंडिया कल श्रीलंका को हरा दे और खुदा ना खास हमारा रेन ऑफ हो जाता है। हाँ, और अगर अभी मैं उस पर आ रहा था कि अगर हमारा रेन ऑफ हो जाता है तो फिर तो समझिए वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बिकॉज द थिंग इज हमने 2 मैच खेल लिए हैं, 2 पॉइंट हैं हमारा, 1 पॉइंट हो जाएगा 3 एंड आई मीन ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, वैसे तो एंड तक पता चल नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद अगर इंडिया और श्रीलंका का भी रेन ऑफ हो गया तो हम 3 पॉइंट पे बैठे हुए होंगे। ठीक है, श्रीलंका 3 पॉइंट पे होगा, इंडिया 3 पॉइंट पे होगा, फिर इंडिया का बांग्लादेश से मैच है, सो उसके बाद फिर नेट रन रेट पे आएगा एंड आई थिंक श्रीलंका विल हैव अ बेटर नेट रन रेट देन अस। क्योंकि आज हमारी 228 रन्स, इट्स मैमथ, देखिए ना -1.8 पे हमारी नेट रन रेट आ गई। राइट, ये इतना बड़ा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।